आप लोगों ने आज तक इतना ज्यादा वफादार बैल नहीं देखा होगा। इस बैल का नाम रामू है और ये बैल सारी गौशाला का काम खुद ही करता है बिना किसी ड्राइवर के। बहुत ही उतावला रहता है काम करने के लिए, सुबह होते ही टाइम होते इस प्रकार छलांगे मार के बाड़े से बाहर निकल जाता है। अगर कोई इसको बाहर लेने के लिए नहीं आए तो खुद ही जाता है, खुला रहता है, गायों के लिए हरा चारा लेकर जा रहा है ये बैल और खुरलियों तक पहुंच जाएगा अपने आप, फिर सेवक इस हरे चारे को उतार लेंगे। बहुत ही वफादार बैल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे भारतीय गोवंश की जो महत्वता है उसको जन जन तक पहुँचाएँ। ये देखिए अब हरा चारा खाली कर दिया है और आगे अब देखना असली बात तो अब आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में ही बैलगाड़ी को मोड़ देगा, ना कभी किसी दीवार को टच होने देगा बैलगाड़ी को, ना ही किसी भी बच्चे को या फिर कोई भी जानवर बीच में आए, कोई भी गाय बीच में आए, कुछ भी सामान बीच में आए तो सबसे बचकर निकलता है। बैल को पता है कि बैलगाड़ी की कितनी ज़्यादा चौड़ाई है और कहाँ तक कितने ज़्यादा एरिया में इससे मुड़ा जाएगा। बहुत ही समझदार बैल है। पहले ऐसे ऐसे बैल हर गांव में होते थे, हर घर में होते थे, तो बैलों की वफादारी के सामने, गोवंश की वफादारी के सामने सब कुछ फीका है। तो अगर हम देसी गोवंश का दूध पियेंगे तो हमारे बच्चों में इतना ही ज़्यादा दिमाग आएगा वफादारी के प्रति, हमारा समाज, हमारा गांव होगा। ये देखें अब इस बैलगाड़ी में जो गायों के लिए तूड़ी के अंदर चाट मिला रखी है, बाखर मिला रखा है, इसको भी खुरलियों तक अपने आप पहुंचा देगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे बैलों की महत्वता को जन जन तक पहुँचाएँ। इन्हीं बैलों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, जब कृषि उपकरण भी नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इन्हीं बैलों ने कमा कमा कर बहुत सारी फसलें, अनाज, कपड़े, मसाले हमने खूब कमाए, दूसरे देशों में बेचे और हमारे देश को सोने की चिड़िया इन्हीं बैलों ने बनाया। तो ये देखें अब ये बैल गोबर को ले जा रहा है, रामू बैल, और अब रामू सारे गोबर को गौशाला से एक एकड़ दूर जहाँ पर गोबर इकट्ठा करते हैं वहीं पर इसको डाल देगा। बिल्कुल सीधे जाएगा और सीधे आएगा और पूरा दिन काम करेगा, बैलगाड़ी में जुड़ा रहेगा और शाम को वापस बैलगाड़ी को अपनी जगह पर छोड़कर अपने बाड़े में चला जाएगा। रामू नाम का ये बैल बापूजी गौशाला लुधियाना पंजाब के अंदर मिलेगा, अगर किसी भी साथी को रामू के दर्शन करने हो तो। ये बैल अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारी है, सारा काम खुद करता है, अपनी मर्जी से उठता बैठता कूदता खाता पीता है। तो इस बैल के ज़रूर दर्शन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को रामू बैल के दर्शन कराएं और समझाएं कि क्या महत्वता है हमारे समाज में बैलों की। बैलों को सड़कों पर बेसहारा न छोड़ें, बुढ़ापे में इनकी खूब सेवा करें और इस तरह की वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय गो माता, जय गोपाल।